लोकसभा में उत्तराखंड के लोग इन्हें शून्य दे रहे, शून्य, बिग जीरो। विधानसभा में भी 5 साल से ये सत्ता से बाहर है, इसलिए कांग्रेस के लोग उत्तराखंड के लोगों से भड़के हुए हैं। सत्ता तक पहुंचने के लिए अब ये देवभूमि की संस्कृति और पहचान को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग तुष्टीकरण और वोट बैंक वाला फॉर्मूला आजमा रहे हैं। ये लोग देवभूमि के लिए किस तरह की यूनिवर्सिटी का समर्थन कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। आपने सुना है ना क्या करना चाहते हैं? सुना है ना? इसे उत्तराखंड को बचाना है कि नहीं बचाना है? बचाना है कि नहीं बचाना है? भाइयों बहनों, अगर ये वापस आ गए तो अपनी सारी बौखलाहट यहां की जनता पर निकालेंगे। भाइयों और बहनों, इन्होंने सालों तक पहाड़ के लोगों को पानी की सुविधा से वंचित रखा। पानी के लिए माताओं बहनों को सर पर घड़ा रखकर कोसों जाना पड़ता था। हमने जल जीवन मिशन के जरिए घर घर पाइप से पानी पहुंचाने का अभियान शुरू किया। आज उत्तराखंड में करीब 8 लाख घरों तक पाइप से पानी पहुंच रहा है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले उत्तराखंड की 5-6 बुजुर्ग माताएं, कुछ बहनें, उन्होंने छोटा छोटा वीडियो डाला हुआ है तो मेरे पास वो भी आया घूमता फिरता। और उत्तराखंड की माताएं बहनें जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, क्या क्या मिला उसका वर्णन कर रही है, पानी के विषय में भाव विभोर होकर के बोल रही है। माताएं बहनें, ये आपके आशीर्वाद है ना, मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा, मैं जी जान से आपके लिए काम करता रहूंगा। ये आपका स्नेह, आपका ये आशीर्वाद मुझे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, दिन रात माताओं बहनों आपके लिए काम करने के लिए मेरा मन दौड़ता रहता है, काम करने के लिए दौड़ता रहता है। आज उत्तराखंड में करीब 8 लाख घरों तक पाइप से पानी पहुंच रहा है। इन्होंने दशकों तक पहाड़ के ग्रामीणों को पत्थरों पर पैदल चलने के लिए मजबूर किया। हमने पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इतनी सड़कें बनाई जितनी उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक नहीं बनी। इन्होंने अस्पताल और इलाज के अभाव में लोगों को पहाड़ से पलायन करने को मजबूर किया। भाजपा सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को एम्स दिया था, हमने नए अस्पताल दिए, नए मेडिकल कॉलेज दिए। उत्तराखंड में हमारी डबल इंजन की सरकार ने एक और अभूतपूर्व काम किया है। उत्तराखंड की पूरी 1.25 करोड़ की आबादी को अटल
आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। हमने गरीबों को मुफ्त टीका दिया, कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त राशन दिया। चाहे किसान हो, गरीब हो, बिना किसी लीकेज के, कोई कट की कंपनी की एंट्री के बिना हमारी सरकार बैंक खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर कर रही है। इन सारे कामों को देखकर ये बौखलाए रहते हैं, इसलिए उत्तराखंड के लोगों को याद रखना है, अगर ये गलती से भी सत्ता में आ गए तो ये भाजपा सरकार के सारे काम रोक देंगे। जो आपके लिए अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं उन्हीं को रोक देंगे, क्या ऐसा होने देना है? क्या ऐसा होने देना है? क्या ऐसा होने देंगे? क्या उनके ये सारे इरादे फेल करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों बहनों, उत्तराखंड के विकास का ये पुण्य कार्य हमें निरंतर करते रहना है, और मेरे लिए तो ये पुण्य कार्य है ही है। आप लोगों की सेवा करना ये मेरे लिए पुण्य कार्य है, और इसलिए 14 तारीख को हमारा संकल्प होगा उत्तराखंड के विकास के लिए। 14 तारीख को हमारा संकल्प होगा उत्तराखंड के विकास के लिए कमल का बटन दबाना, उत्तराखंड के युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य के लिए 14 तारीख को कमल का बटन दबाना। यहां पर्यटन और रोजगार के विकास के लिए 14 तारीख को कमल का बटन दबाना। जो काम चल रहे हैं उन्हें तेज गति से आगे बढ़ा करके पूरा करने के लिए 14 तारीख को कमल पे बटन दबाना। इसलिए याद रखिए, 14 फरवरी को पहले मतदान फिर जलपान। आप सब, मैं उत्तराखंड में कई स्थानों पर गया हूं, कई कार्यक्रम किए, लेकिन आप लोगों ने आज जो ये मिजाज दिखाया है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, मैं देख रहा हूं उसके पार भी लोग खड़े हैं। ये दृश्य अपने आप में दिखा रहा है कि उत्तराखंड में फिर एक बार भाजपा सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद।